गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल, इट्स योर बॉय ध्रुव। तो भैया आज कॉलेज जा रहे हैं और आपको कॉलेज का छोटा सा टूर देंगे, सैनिका कॉलेज न्यूनम कैंपस इन टोरंटो। तो अभी हमने 3 तरह के ट्रांसपोर्टेशन को चेंज करके जाना है कॉलेज। 1 आवर 45 मिनट्स का रास्ता है, तो मतलब ऐसे निकल जाता है। तो अभी बस आपको दिखाते हैं क्या सिस्टम होता है। तो पहले लोकल बस लेंगे, फिर एक सिटी टू सिटी बस लेंगे जिसको हम कहते हैं गो बस यहाँ पे, और उसके बाद हम मेट्रो लेंगे, मेट्रो के बाद एक और बस लेंगे, उसके बाद भाई पहुँचेंगे कॉलेज। तो दोस्तों सबसे पहले हमने अपने मैप्स में देखना होता है कि कौन सी बस कितने बजे आ रही है। तो हम यहाँ पे सीधा डालने वाले हैं सैनिका कॉलेज। तो ये अलग अलग रूट्स दिखाता है कि कैसे पॉसिबल वे से हम जा सकते हैं। आज तो भाई सीधी बस मिल रही है, 42 नहीं लेनी, 66 वाले रूट से जाना है। ये 66 बस अभी 18 मिनट्स में आने वाली है, उससे पहले भी आ जाएगी। तो बस वहाँ से बस पकड़नी है, उस साइड पे अपनी लोकल बस आएगी जहाँ मैं वेट करूँगा। तो अभी दोस्तों हम लोग टर्मिनल पहुंच चुके हैं जो कि लोकल बसेस का टर्मिनल होता है। तो अभी गो बस पकड़नी है हमने, दो सड़क के उस पार जाना है हमने, वहाँ पे आपको दिखाएंगे गो बस के टर्मिनल। जो गो बसेस होती हैं सिटी टू सिटी जाती हैं, उसका अलग से स्टेशन बना हुआ है जो कि सामने की तरफ है। तो लेट्स गो। तो अभी हमने सड़क के उस पार जाना है, वहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन बसेस जो कि गो बसेस कहते हैं जिसको। तो अभी हमने 8 नंबर प्लेटफॉर्म से बस पकड़नी है अपनी। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं यहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी स्टेशन्स आएंगे सिटी टू सिटी। तो अभी हमने हाईवे 407 जाना है, तो बस थोड़ी देर में बस आती होगी, मतलब हर 15 मिनट के बाद एक बस आती है। तो अभी सड़क पार करके वेट करते हैं, फिर उसके बाद अपनी मेट्रो पकड़ेंगे। तो अपनी हाईवे 407 तक की बस आ चुकी है, यहाँ पे स्टेशन्स लिखे हुए हैं हाईवे 407 41। तो अभी अंदर बैठ के आराम करते हैं, ये लंबा रूट है थोड़ा सा। तो अभी दोस्तों गो बस से हम सबवे स्टेशन आ गए हैं, यहाँ से सबवे पकड़नी है बस, उसके बाद एक लास्ट बस लेनी है। तो जल्दी से चलते हैं। तो अभी यहाँ से हमने जाना है फिंच, और अपनी सबवे आ चुकी है। Next station is York University. York University Station. Doors will open on the left.
यहाँ से बस अपनी लास्ट बस पकड़नी है। तो यहाँ पे सारे बस टर्मिनल फिर से स्टार्ट हो गए हैं अपने, ये लोकल बसेज हैं यहाँ की। तो अपने एंड वाले प्लेटफॉर्म पे अपनी बस आएगी, अभी तो नहीं खड़ी, वहाँ पे जाना हमने। तो फाइनली अपनी लास्ट बस आ चुकी है। Few minutes later. तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं, सामने आप देख सकते हो कॉलेज, ये सभी स्टूडेंट्स जा रहे हैं। बस 2 मिनट का रास्ता रह गया, अब अंदर से दिखाएंगे आराम से आपको कॉलेज। तो यहाँ से अपना कॉलेज स्टार्ट होता है, ये कॉलेज का बस टर्मिनल है, एक टाइप ऑफ बस स्टैंड। तो यहाँ पे सैनिका कॉलेज की बसेस खड़ी हैं। तो सामने कॉलेज की मेन बिल्डिंग आ चुकी है, यहाँ से हम एंट्री लेंगे और अपनी क्लास की तरफ जाएंगे। आपको सभी चीज़ें बताता जाऊंगा मैं, जो भी चीज़ें यहाँ पे देखने वाली हैं। तो कॉलेज तो बहुत बड़ा है, अभी यहाँ से कुछ नहीं दिखेगा आपको, अंदर चल के दिखाते हैं। तो इस साइड पे साइकिल रैक है और वहाँ सैनिका लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, जिससे सभी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाते हैं। तो अभी अंदर चल के दिखाते हैं आपको। अपनी कॉलेज की जो क्लासेस हैं वो इस साइड में अपनी, तो उधर की साइड का टूर बाद में दूंगा मैं आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है चैलेंज एक्सेप्टेड, सीरियसली भाई यहाँ पे पढ़ना इज़ लाइक चैलेंज। तो अपनी जो क्लास है वो ई सेक्शन में है, अभी तो के चल रहा है। तो ये सारा जो एरिया देख रहे हो आप, ये कॉलेज का ही है, वहाँ पर कॉलेज का रेजिडेंस है जहाँ पर कॉलेज वाले बच्चे रहते हैं और हम भी रह सकते हैं। बट द थिंग इज़ इट्स वेरी कॉस्टली, आई थिंक $1200 पर मंथ, तो भाई अफोर्डेबल नहीं है मेरे लिए। तो बाकी आप देख लेना अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो। सामने अपना स्टडी एरिया है, मतलब यहाँ पे जहाँ मर्जी बैठ के आप स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अपना काम कर रहे हैं और जो मर्जी कर सकते हो आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बस लाइब्रेरी में बोलना अलाउड नहीं होता। अपनी क्लास उस साइड है, पहले वहाँ पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो अभी डी सेक्शन स्टार्ट हो चुका है और इसके बाद आएगा ई सेक्शन। दीज आर द क्लासेस, राइट पे देखो लेफ्ट पे देखो, यहाँ पे क्लासेस ही क्लासेस हैं। किसी के अंदर लेक्चर्स चल रहे हैं तो किसी के अंदर फ्री है क्लास। ये लॉकर्स हैं स्टूडेंट के लिए, अपना खुद का लॉक लेके आना पड़ता है यहाँ पे। मेरी क्लास की जो लोकेशन है उसकी सही बात ये है, उसके साथ ही जिम है और अपना खेलना वगैरह सब कुछ वहीं पे हो जाता है। तो बिफोर लेक्चर मैं थोड़ा सा बैडमिंटन वगैरह खेलता हूँ, तो थोड़ा रिफ़्रेश सा फील होता है। वैसे भी 1 घंटे पहले ही आ जाता हूँ मैं। तो अभी नीचे की साइड जाना हमने, यहाँ पे तो कोई इवेंट वगैरह चल रहा है भाई, इतनी ज़्यादा भीड़ तो मैंने नहीं देखी कभी। तो अभी मैंने किसी से पूछा तो ये लाइन भाई पता किस चीज़ की है, फ्री पास्ता की। वाह भाई वाह। तो अभी क्लास की तरफ चलते हैं, मुझे पास्ता की भूख तो नहीं है, अब लेक्चर चल रहा है। बट मैं सेकेंड हाफ में आऊँगा अपने लेक्चर के। ये चल रहा है लेक्चर, यही मेरी क्लास थी, मैम पढ़ा रहे थे। तो जो अपना दूसरा लेक्चर है वो वहाँ से लगता है, ये भी एक क्लास है बट ये क्लास मेरी नहीं है, मेरी वाली ये है 1404।
सो लेट मी शो यू माई क्लास. अभी तो यहाँ पे कोई नहीं है, तो ऑटोमेटिक लाइट्स ऑन हो जाएंगी. देखिए हो चुकी हैं लाइट्स. तो यहाँ पे अपना सेकंड लेक्चर लगता है, मतलब 3:30 बजे स्टार्ट हो जाता है. तो अभी बाद में दिखाएंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो सर के साथ वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये क्लास प्रेजेंटेशन स्किल्स की है. अभी आपको फूड सेक्शन दिखाता हूँ. तो आप ऑब्जर्व कर ही रहोगे, ये मतलब कॉलेज बहुत बड़ा है. हाँ, पर इसमें कोर्सेज भी सभी तरह के अवेलेबल होते हैं. जैसे अगर बुटीक का सीखना है आपने, कुछ अपने फैशन डिजाइनिंग का कुछ भी सीखना है, तो सब कुछ पॉसिबल है यहाँ पे. सो दिस इज द फूड एरिया. यहाँ पे आप अपना खाना वाना खा सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल मिलेगा आपको. सभी देखिए अपना लेक्चर से फ्री होके बैठे हैं. तो इंटरनेशनल पे चेक करते हैं, यहाँ पे आपको क्या क्या अवेलेबल मिलेगा. वो भी तो आई थिंक बन रहा होगा फूड वगैरह, क्योंकि सुबह का टाइम है ना, लंच वगैरह के टाइम ही आते हैं बच्चे. यहाँ पे आपको समोसा भी खाने का मिलेगा भाई. ये समोसा खाने की सबसे अच्छी जगह इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सस्ता मिलता है. यहाँ पे पिज्ज़ा एंड पास्ता मिलेगा आपको. पिज्जास दिखाता हूँ मैं आपको. तो उस साइड पे अपनी वेंडिंग मशीन्स आ गई हैं, जो भी अपना ड्रिंक वगैरह लेनी है आपने ले सकते हो, और पीछे वहाँ पे बैठ के अपना खा सकते हो. हाँ, बैठ जहाँ मर्जी सकते हो. तो यहाँ पे अपना ग्रिल सेक्शन आ चुका है, और उस साइड पे अपना सैलेड मिलेगा. तो अगर आपने ऑर्डर करना है तो यहाँ से सीधा डायरेक्टली कर सकते हो. आई थिंक किसी ने बीच में छोड़ रखा है. तो जो भी लोकेशन से आपने ऑर्डर करना है अपना फूड, जैसे ग्रिल का अलग से दिखाया था, पिज्ज़ा का अलग से दिखाया था, तो ग्रिल सेक्शन में देखते हैं. तो ये सारा कुछ आपको ग्रिल सेक्शन में अवेलेबल मिलेगा. तो अभी तो मुझे भूख नहीं है, जैसे आपको दिखा रहा हूँ. प्राइजेस वगैरह आप चेक कर सकते हो, ऐसे सिस्टम होगा. यहाँ पे टैक्स वगैरह नहीं लगता इतना. सैलेड्स में देखते हैं. सो या, एनीथिंग यू कैन ईट. सो लेट्स गो, आपको रेस्ट ऑफ द थिंग्स दिखाता हूँ. यहाँ पे छोटी सी सुपर मार्केट है, और इस साइड पे सैलेड दिखाया था. सैलेड का जो यहाँ पे डेस्क है आपको दिखाता हूँ एक बार. These are the salads. जैसे भी आपने बनवाना अपना बनवा सकते हो. So now let me show you the fitness center. तो इनकी लाइन भाई अभी तक ख़त्म नहीं हुई. तो इस साइड पे अपना फिटनेस सेंटर आ जाएगा. सामने आप देख सकते हो स्पोर्ट्स सेंटर. तो अभी पीछे मैं जिम छोड़ के आया हूँ. जिम इसके बाद दिखाता हूँ, वो अलाउड नहीं होता. तो पहले चेंजिंग रूम में अपना बैग वगैरह रख के आते हैं, उसके बाद चलते हैं खेलने. तो अंदर जाने से पहले आपको यहाँ पे स्टूडेंट आईडी दिखानी होती है, तभी यहाँ पे अनलॉक होता है ये डोर. हो जा भाई अनलॉक, ये हो गया. सो लेट्स प्ले. सो दिस इज़ द एरिया ऑफ प्लेइंग एनीथिंग. सो अभी जस्ट बैडमिंटन खेल के आया हूँ, बहुत थक गया हूँ. मैं लेक्चर की वेट कर रहा हूँ, एक लेक्चर से तो फ्री हो गया ऑलरेडी. फ्यू मिनट्स लेटर. राइट, सो इंसर्ट योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हियर एंड देन अ रीजन टू बिलीव. तो अभी लंच में मैंने कुछ समोसास लिए हैं और दो पानी की बॉटल ली हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है. अभी खेल के आया था बैडमिंटन, तो बस अभी लंच टाइम हो रहा है. इसके बाद एक लेक्चर रह गया, उसके बाद फिर घर पहुँचेंगे. तो ये सिस्टम है भाई, यहाँ से आप रेजिडेंस बिल्डिंग देख सकते हो. तो अभी दोस्तों अपने लेक्चर को 1 घंटा बाकी पड़ा, तो अभी जिम चलते हैं. अंदर से भी दिखाते हैं आपको, क्योंकि बहुत मन कर रहा है. लेट्स गो. सो दिस इज़ माय जिम.
तो अभी जल्दी से आपको रेस्ट ऑफ द एरियाज़ दिखाता हूँ कॉलेज के, जहाँ पे स्टारबक्स और टिम हॉटन्स भी है। भाई कॉलेज के अंदर ही स्टारबक्स और टिम हॉटन्स है इनका खुद का। तो अभी फ्लोर टू पे आ गए हम, तो ये रेस्ट ऑफ द एरिया है कॉलेज का। तो ये अभी ब्यूटीक खुला है दोबारा, ये स्टूडेंट्स ने बनाई है जो भी ड्रेसेस हैं। एंड उस साइड पे अपना है स्टारबक्स। लेट मी शो यू, यहाँ पे लाइब्रेरी है। So here is our Starbucks and here is the Tim is ke piche hai. So yeah, that's the college. Abhi to kuch bhi nahi dikhaya bhai, matlab 50% college dekha hai aapne. Let me show you the library. A few moments later. तो अभी वेट करते करते बहुत टाइम हो चुका है, तो अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अंदर चल के देखते हैं और आपको दिखाते हैं, सर भी सामने दिखेंगे आपको। हाय सर। तो अभी धीरे धीरे स्टूडेंट्स आ रहे हैं सारे, अभी बस 5-10 मिनट में क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी मिलते हैं लेक्चर के बाद। At least less work for me, you know. I'm going to say I didn't hear anything. So class is done and we are good to go at home. तो अभी आप लोगों को कॉलेज का फ्रंट साइड दिखाता हूँ। जब हमने एंट्री ली थी तब मैं लेफ्ट साइड मुड़ गया था, बिकॉज़ यहीं पे मेरी क्लासेस थी। तो यहाँ पे दिखाता हूँ, ये बिल्कुल ही फ्रंट साइड है इसकी। So this is the area. तो अभी दोस्तों शाम हो चुकी है और चलते हैं घर। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आई नो मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मिस की हैं, बट जितना मैं दिखा सकता था मैंने दिखा दिया, क्योंकि ये कॉलेज घूमना 2 दिन का काम है, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक अ वीडियो इन 1 डे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई। तो अभी जल्दी से चलते हैं घर। अपनी बस तो एक निकल चुकी है बट वो फुल थी। अभी 5 मिनट और वेट करके एक नई बस लेते हैं और चलते हैं घर। एंड थैंक यू अगेन एंड गुड बाय।